कारण मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा क्यों होगा। एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉल्ट वैल्यू इज नॉट अप्लाइड ऑन फाइनल डेटा मेंबर्स। हेंस अगर हम किसी डेटा मेंबर के साथ फाइनल कीवर्ड लगाते हैं तो उसके ऊपर डिफॉल्ट वैल्यू का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। अब ये लॉजिकल बात है, ऐसा ही होना चाहिए। कारण आपको बताया गया था कि फाइनल वेरिएबल का मतलब है ऐसा वेरिएबल जिसमें वैल्यू केवल एक बार असाइन हो सकती है। अब अगर हम अपने डेटा मेंबर को फाइनल बनाते हैं और उनमें हम अपनी तरफ से कोई वैल्यू असाइन नहीं करते तो उनमें डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे ही वो डिफॉल्ट वैल्यू आएगी वो फाइनल वैल्यू बन जाएगी, हम तो कोई वैल्यू असाइन ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए फाइनल डेटा मेंबर के ऊपर डिफॉल्ट वैल्यू का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, जिसकी वजह से इन दो क्लासेस में ये कंपाइलेशन एरर आएगी। अब बात करते हैं थ्री एंड फोर क्लासेस की। यहां पर हमने वो गलती नहीं की, हमने वैल्यू असाइन की। हां जी, क्लास थ्री की बात करते हैं, क्या आउटपुट आएगी? फाइव। और कोई कंपाइलेशन एरर? डी के केस में 10, जीरो वाला नहीं है कोई, असाइन करके रखी गई वैल्यू तो जीरो क्यों आएगा? यहां पर हमने ये गलती नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि हमने कोई गलती नहीं की। यहां पर भी कंपाइलेशन एरर आएगी, इस बार इस स्टेटमेंट में कंपाइलेशन एरर होगी, इस स्टेटमेंट में कंपाइलेशन एरर होगी। अब आप सोच रहे होंगे अब यहां पर क्यों होगी, लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में। स्टैटिक फाइनल डेटा मेंबर कैन बी असाइन ए वैल्यू ओनली इन ए स्टैटिक ब्लॉक। आगे लिखेंगे, ए नॉन स्टैटिक फाइनल डेटा मेंबर कैन ओनली बी असाइन ए वैल्यू इन ए कंस्ट्रक्टर। ये एक एडिशनल रूल है जो फाइनल डेटा मेंबर्स के ऊपर अप्लाई होगा। अगर फाइनल डेटा मेंबर स्टैटिक है तो उसे हम केवल स्टैटिक ब्लॉक में वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और अगर वो नॉन स्टैटिक है तो केवल कंस्ट्रक्टर में वैल्यू असाइन कर सकते हैं। यहां पर देखिएगा, डेटा मेंबर नॉन स्टैटिक था, फाइनल था, हम उसे वैल्यू असाइन कर रहे हैं लेकिन कंस्ट्रक्टर में असाइन नहीं कर रहा है, रूल ब्रेक कर रहा है, इसलिए कंपाइलेशन एरर जनरेट होगी। डेटा मेंबर फाइनल है, स्टैटिक है, हम उसे वैल्यू असाइन कर रहे हैं लेकिन स्टैटिक ब्लॉक में असाइन नहीं कर रहे हैं। ये स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक ब्लॉक नहीं है। आपको बताया गया था स्टैटिक ब्लॉक क्या चीज है। हम यहां पर ऐसा कर सकते हैं, अगर मैं चाहे तो ऐसा लिख सकता हूं, उस केस में कोई कंपाइलेशन एरर जनरेट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बता सकते हैं? बिल्कुल सही बात, आपको बताया गया था कि जब हम ऐसा लिखते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, इस स्टेटमेंट को उठा के अपने आप स्टार्टिंग ब्लॉक में रख देता है, इससे स्टार्टिंग ब्लॉक जनरेट हो जाता है, कोई रूल ब्रेक नहीं होगा। सेम वे में हम चाहें तो यहां पर हम डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं। कंपाइलर कंपाइलेशन टाइम पे ये सी इक्वल फाइव वाला स्टेटमेंट कहां रख देगा? कंस्ट्रक्टर में कोई रूल ब्रेक नहीं होगा। बात समझ आई? दो रूल है, पहला अगर डेटा मेंबर फाइनल है तो उसके ऊपर डिफॉल्ट वैल्यू का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, दूसरा अगर वो स्टैटिक है तो केवल स्टैटिक ब्लॉक में वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और वो नॉन स्टैटिक है तो केवल कंस्ट्रक्टर में उसे वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ये रूल इसलिए बनाए गए ताकि एक ही बार वैल्यू असाइन हो सके। स्टैटिक ब्लॉक एक बार चलेगा, कंस्ट्रक्टर भी किसी ऑब्जेक्ट के लिए एक बार चलेगा। बात समझ आती है? नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं, ई की। बताइए क्या आउटपुट आएगी? कंपाइलेशन एरर आएगा। यहां पर थोड़ा सा चेंज है, अगर आप ध्यान से देखें तो
इससे पहले जो क्लासेस थी उनमें हमने अपने डेटा मेंबर को फाइलर बनाया था, यहां पर डेटा मेंबर को फाइलर नहीं बनाया हमने, यहां पर हमारा रेफरेंस वेरिएबल फाइलर है। मींस अगर मैं यहां पर मैं इस स्टेटमेंट को लिखूं इस तरह से, यहां पर एक रेफरेंस वेरिएबल बना, एक ऑब्जेक्ट बना जिसके पास ई नाम का डेटा मेंबर है, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इस रेफरेंस वेरिएबल में असाइन हो गया। अब हमने इस रेफरेंस वेरिएबल को फाइलर बना के रखा हुआ है, हम कह रहे हैं इस रेफरेंस वेरिएबल में जो रेफरेंस हमने असाइन किया उसे हम चेंज नहीं करेंगे, हम इसमें चेंज कर भी नहीं रहे। अगर आप ध्यान से देखें हम एक्स डॉट ई की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, ई इस बार फाइनल नहीं है, यानी कि जब कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ तो पहले इसमें डिफॉल्ट वैल्यू आई, नॉन फाइनल है, डिफॉल्ट वैल्यू का कांसेप्ट इसमें अप्लाई होगा, उसके बाद हमने उसे एक वैल्यू असाइन की 5 कर सकते हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। इससे पहली बार जब हमने किया था तो हमारा डेटा मेंबर फाइनल था। अब आपको पता है रेफरेंस वेरिएबल जो है वो लोकल वेरिएबल होते हैं, अगर वो लोकल वेरिएबल है तो डिफॉल्ट वैल्यू का कांसेप्ट उसमें अप्लाई होता ही नहीं। दूसरा, अगर वो लोकल वेरिएबल है तो उसके स्टार्टिंग ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर का कांसेप्ट भी अप्लाई नहीं होगा, जिस ब्लॉक में आप उसे डिफाइन करेंगे उसी ब्लॉक में वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? यहां से आउटपुट आएगी 5। अब आप इसे कितनी बार भी बदल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आती रहेगी, कोई कंपाइलेशन एरर जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कहीं प्रोग्राम में आगे जाके ऐसे लिखा लेट से x इक्वल न्यू ए, तो ऐसे स्टेटमेंट में एरर जनरेट हो जाएगी, तो आप x की वैल्यू बदलना चाहते हैं, या आपने कहा था कि आप x की वैल्यू नहीं बदलेंगे, ऐसे स्टेटमेंट में कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। समझ आई बात? नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं, क्या आउटपुट आएगी? 10। बिल्कुल सही बात, यहां पर जो डेटा मेंबर है, सॉरी यहां पर जो f है वो लोकल वेरिएबल है। अब आपको इतनी बात पता चल गई है, लोकल वेरिएबल के ऊपर डिफॉल्ट वैल्यू का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, उसके ऊपर स्टार्टिंग ब्लॉक का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, उसके ऊपर कंस्ट्रक्टर का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, जिस ब्लॉक में डिफाइन करेंगे उस ब्लॉक में असाइन कर रहा हूं, हमने असाइन किया, कितनी बार असाइन किया? एक बार। फाइलर क्या कहता है? एक बार वैल्यू असाइन की जा सकती है, जो वैल्यू असाइन होगी वो फाइलर बन जाएगी, उसे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहां पर हमने मॉडिफाई किया भी नहीं है, आउटपुट आएगी 10। इस सारी एक्सरसाइज का पर्पज ये था कि आपको अब यह पता चल गया कि फाइलर को जब आप डेटा मेंबर्स के साथ अप्लाई करेंगे तो अलग तरह से बिहेव करेंगे, और जब आप लोकल वेरिएबल के साथ अप्लाई करेंगे तो अलग तरह से बिहेव करेंगे। इतनी बात सबको समझ में आती है? अब आपको यह पता चल गया फाइनल जैसा कोई कीवर्ड है जिससे आप तीन काम कर सकते हैं। पहला, आप मेथड्स की ओवरराइडिंग प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा, क्लास से इनहेरिटेंस प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरा, नेम कॉन्स्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। बात समझ आई? अब एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल को लेके पहले एक मीनिंगफुल प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं जिसमें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी हो। अभी तक मैंने रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल कंप्लीट करके नहीं दिखाया, कल आपको दो एग्जांपल दिए लेकिन दोनों एग्जांपल एक तरह से थ्योरेटिकल थे। अब प्रैक्टिकल ही देखते हैं जिसमें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल सब का यूज किया जाए।